हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल रासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीआईपी कोटा के बारे में। वीआईपी कोटा में कैसे टिकट बुक होता है, किन किन लोगों को मिलता है, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा बहुत से एजेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना तत्काल के कन्फर्म करवा देते हैं रेलवे का वेटिंग टिकट। दोस्तों वो कैसे करवाते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीआईपी कोटा में कौन से लोग टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों वीआईपी कोटा में सभी प्रकार के लोग टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन वीआईपी कोटा की कुछ शर्तें होती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं वीआईपी लोगों के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से लोग वीआईपी कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि सांसद हो गए, जज हो गए, या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर हो गए, या फिर रेलवे के कोई बड़े अधिकारी हो गए, वो लोग वीआईपी कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वो लोग नहीं बुक करवाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो आम पैसेंजर भी वीआईपी कोटा में टिकट बुक करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा एक रीज़न होना चाहिए बिल्कुल इमरजेंसी वाला। जैसे कि आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कोई सरकारी वर्क से जा रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी जब आती है तब आप वीआईपी कोटा में अपना वेटिंग टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं। दोस्तों तो ये तो हो गई वीआईपी कोटा में कौन कौन से लोग टिकट बुक करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजेंट्स होते हैं वो कैसे कंफर्म करवा लेते हैं टिकट। अब एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स करते हैं जो अधिकारी होते हैं या रेलवे के बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे पूरी सेटिंग बना के रखते हैं और वो उनके लेटर हेड पर एक लेटर लिखवा लेते हैं और वहाँ पर रेलवे स्टेशन के माध्यम से वो वेटिंग टिकट बहुत सारे कन्फर्म करवा लेते हैं वीआईपी कोटा के अंदर। दोस्तों ऐसे वो एजेंट्स कन्फर्म करवाते हैं वेटिंग टिकट। आपने देखा होगा बहुत से एजेंट्स बिना तत्काल के वेटिंग टिकट कंफर्म करवा लेते हैं। अब वेटिंग टिकट तो कंफर्म हो गया, अब वीआईपी कोटा में कैसे नॉर्मल पर्सन टिकट बुक करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है या बहुत ज़रूरी वर्क से आपको कहीं जाना है और आपको चाहिए वीआईपी कोटा में टिकट, तो आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से उसके लेटर हेड पर लिखवाना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से आप जाना चाहते हैं उस जगह पर, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद स्टेशन पर वो लेटर जमा करना पड़ेगा, स्टेशन से डीआरएम ऑफिस जाएगा, डीआरएम ऑफिस से कन्फर्म हो करके आपका जो टिकट होगा वो कन्फर्म हो जाएगा अगर वेटिंग में है तो। दोस्तों अगर इस जानकारी से आप सहमत हैं या इस जानकारी में कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।